लद्दाख में रात के अंधेरे में चीनी सैनिकों के द्वारा किए गए कायरता से विवाद और गहरा गया। रात के अंधेरे में चीनी सैनिकों के हमले के जवाब में भारतीय सैनिक चीन पर टूट पड़े, जिसका नतीजा सबके सामने। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक लद्दाख में हुए खूनी संघर्ष में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए, जबकि चीन के 43 सैनिक ढेर हुए। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पूरे देश के लोगों को रोने पर मजबूर कर रही। जी, गलवान घाटी में चीनी करतूत से शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू की बेटी की एक तस्वीर वायरल हो रही, जिसे देखकर आपका भी कलेजा रोने लगेगा। फोटो में कर्नल संतोष बाबू के फोटो के सामने बेटी हाथ जोड़े खड़ी। इस फोटो को शेयर करते हुए टाइम्स नाउ की पत्रकार नविका कुमार ने ट्विटर पर लिखा कि ओ माय गॉड, आज 20 घरों की जिंदगी थम गई। पत्नियां अपने पति को फिर कभी नहीं देख पाएंगी। बच्चों को अपने पिता के बगैर जीना होगा। माता पिता, भाई बहन खाली आंखों से दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। दिल को रुलाने वाली बात इस तस्वीर में है। इस तस्वीर में मासूम बच्ची अपने पिता के सामने हाथ जोड़े खड़ी। जब ये पोस्ट नविका ने किया और जिसने इस तस्वीर को देखा, सभी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान इस बच्ची को दुख सहने की हिम्मत दे। गौरव ने लिखा कि पूरा देश इस बच्ची और उसके पिता के साथ है। वही ट्विटर हैंडल भारतीय ने लिखा, आंसू थम नहीं रहे हैं। फोटो देखकर साहिल परिवार ने लिखा कि मेरे पास शब्द नहीं, मैं निशब्द हो गया। सुरभि शर्मा ने लिखा, इस फोटो ने तोड़ दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इस फोटो ने क्या कर दिया है। आप खुद एक बार देखिए।